अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद समीर, आप देख रहे हैं स्टिचिंग मास्टर। तो आज मैं आपको क्यूलॉट्स प्लाजो की कटिंग बताऊंगा बहुत सिंपल आसान तरीके से। 36 जो है ना हमारे इसकी लेंथ है और जो है ना 13 इंच का जो है ना हमारा आसन है ट्राउज़र का। अब जो इसकी लूजिंग है वो शर्ट की जो है ना फिटिंग के हिसाब से जो है ना निकलेगी। उसके लिए जो है ना हमें शर्ट की हिप्स का साइज़ चाहिए। हमारी जो शर्ट का हिप साइज़ है वो 24 है, तो इसका जो है ना हाफ जो है ना हम इसकी प्लाजो की हिप साइज़ रखेंगे, इसका हमने हाफ़ कर देना है 12 इंच। और उसी तरीके से जो है ना इसके थाइस का निशान जो है ना हम 1.5 इंच जो है ना बढ़ता हुआ रखेंगे, 13.5 जो है ना हिप साइज़ रखेंगे। सबसे अहम चीज़ इसमें ये देखिए, एक थाइस के निशान से 5 इंच नीचे एक निशान लगता है, ठीक है, उसकी लूजिंग जो है ना हमने ये 12 इंच रखनी है, इससे 1.5 इंच कम। उसके बाद बॉटम हमने रखना है, थोड़ा हमारा हैवी साइज़ है तो हम बॉटम जो है ना इसका 14 इंच रखेंगे। ये 24 था देखिए हमारी हिप साइज़, तो हमने इसका हाफ 12 इंच रख दिया और उसी तरफ से बढ़ाकर थाइस 1.5 इंच हमने 13.5 रख दिया, उससे 1.5 इंच कम जो है ना हमने ये नीचे वाला हिस्सा रखा है और 14 इंच जो है ना हमने बॉटम रखा है। तो आप जो है ना अपने नाप के हिसाब से जो है ना सारा साइज़ रख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है इसका क्यूलॉट्स प्लाजो कटिंग का। तो देखिए इसके लिए जो है ना हमने अपना कपड़ा बिछा लिया है, जो इसकी खुली हुई साइड है चारों वो हमने जो है ना अपनी तरफ रखी है और इसकी बंद वाली साइड इस तरह से बाहर की तरफ निकाल दी। सबसे पहले एक निशान लगाएंगे, कपड़े को सीधा करेंगे और 2 इंच पे जो है ना एक निशान लगाएंगे इलास्टिक के दबाव के लिए। साइड में भी जो है ना दबाव का निशान निकाल देंगे। हमारा थाइस 12 है तो आधा आधा इंच दबाव के साथ हम 13 पे निशान लगाएंगे इसको। आसन हमारा जो है ना 13 इंच है तो हम जो है ना इसको 12 पे निशान लगाएंगे, गोलाई के साथ ये 13 तैयार आएगा। इस निशान को भी सीधा करना है। अब जो है ना ये निशान 13 पे लगाया था हमने दबाव के साथ, तो ये निशान भी जो है ना हमने 13 पे लगाना है, ठीक है। निशान लगा के अब थाइस के लिए जो है ना 1.5 इंच बढ़ा के जो है ना निशान लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 14.5, तो ये 13.5 तैयार आएगा। ये इसको सीधा करेंगे और इसको गोलाई दे देंगे। अब थाइस से नीचे जो है ना वही हम 5 इंच पे एक निशान उठाएंगे और इसको भी जो है ना इस तरीके से स्केल से सीधा करेंगे। अब जो है ना इसका सेंटर करना है। ये हमारा जो है ना 14.5 इंच पे निशान लगा हुआ है, तो हम इसको 7.25 पे इसका जो है ना सेंटर करेंगे। ये 7.25 नीचे भी सेंटर का निशान लगा देंगे, ठीक है। और अब जो हमने नीचे वाला हिस्सा रखना है वो रखना है 12 इंच, तो हम इसको दबाव के साथ जो है ना 13 पे निशान लगा देंगे। ये 13 पे देखिए 6.5, 13 का हाफ 6.5, इसको 6.5 इंच पे जो है ना सेंटर से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई जो है ना हमारी 38 है तो 38 पे निशान लगा देंगे। इस निशान को सीधा करके इसके साथ ही जो है ना हम दबाव के लिए निशान लगा देंगे। इसको भी सेंटर का निशान लगाएंगे और सेंटर के निशान को जो है ना आपके लिए बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। और 14 इंच का जो है ना हमारा बॉटम है, तो हम जो है ना इसको 15 इंच पर निशान लगाएंगे। जो ये मार्किंग है ये खाली फ्रंट की मार्किंग मैंने आपको बताई थी, बैक इसकी एक्स्ट्रा कटिंग होगी, ठीक है। तो निशान लगा दिया हमने बॉटम का भी 15 इंच पर, 14 जो है ना हमारा फ्रंट का बॉटम तैयार आएगा। अब इस तरीके से शेप पट्टी से जो है ना हमने इसकी मार्किंग उठानी है। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्यूलॉट्स ट्राउज़र की भी जो है ना कटिंग बताऊंगा, वो भी बहुत सिंपल और आसान तरीके से होती है। ये देखिए प्रॉपर जो है ना हमने मार्किंग कर ली है। अब साइड को जो है ना दोनों को साथ में निशान के ऊपर कटिंग करना है, नीचे से भी जो है ना इसको कटिंग करना है। अब उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को जो है ना
निशान के ऊपर जो है ना कटिंग करना है। ये देखिए फ्रंट का हिस्सा कटिंग हो गया, अब बैक के हिस्से पर निशान लगाएंगे, आसन से जो है ना 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी जो है ना इस तरीके से आपने निशान उठाना है। अब ऊपर का जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि 2 इंच जो है ना आपने बैक इसकी बड़ी रखनी है और यहाँ से जो है ना हमने 3 इंच जो है ना इसको इस तरीके से निशान लगा के गोलाई देनी है। उसका नीचे वाला हिस्सा ये 3 इंच है तो ये हिस्सा जो है ना हमने 2 इंच रखना है, ठीक है। और ये बॉटम के पास से हम इसको 1.5 इंच रख देंगे, ये बैक जो है ना हमारी एक्स्ट्रा बढ़ती भी आ जाएगी। फ्रंट की पूरी मार्किंग मैंने आपको कमीज़ के हिसाब से बता दी। ये देखिए पूरी मार्किंग हो गई, अब बैक को भी जो है ना निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए प्रॉपर जो है ना हमारी क्यूलेट्स प्लाजो की कटिंग हो गई, अब इसके जहाँ जहाँ दबाव है हम इसको टक लगा देंगे, ठीक है। ये प्रॉपर हमारी प्लाजो पैंट की क्यूलेट्स प्लाजो की कटिंग थी, अब आपको स्टिचिंग बताता हूँ। तो ये देखिए हम इसको जो है ना पहले जो है ना हम इसके आसन की जो है ना सिलाई लगाएंगे, दोनों की फ्रंट और बैक दोनों की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो है ना हमने इसके आपस में मिला के 2 नंबर पे हम जो है ना इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे नीचे तक। उसके बाद जो है ना हमने 3रे नंबर पे हमने इसका 5 इंच फोल्ड करना है और उसके बाद 4थे नंबर पे जो है ना हमने इसकी आसन की सिलाई लगानी है। उसके बाद फाइनल हमने लास्टिक डालना है। तो देखिए पहले नंबर पे हमने दोनों आसन की सिलाई लगाई, उसके बाद 2रे नंबर पे साइड की सिलाई लगा के ट्राउज़र को ज्वाइन कर दिया। अब जो है ना इसका 5 इंच फोल्ड करना मैं आपको बताऊंगा। ये निशान के ऊपर ना इन दोनों के ऊपर इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से प्रेस से बिठा देंगे। अब ये देखिए 2.5 इंच जो है ना इसको चौड़ा फोल्ड करेंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच रखेंगे, को प्रेस लगाएंगे। अब इसको पूरी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए अब 4थे नंबर पे जो है ना ये हमने इसके नाली की सिलाई लगानी है, 1/2 इंच का दबाव है हमारे पास तो हम इसको उसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। लेकिन 5 इंच की सिलाई लगाने से पहले देखिए आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ताकि आपका ये दबाव नीचे से नज़र ना आए। तो पूरी जो है ना नाली की सिलाई लगाएंगे हम कपड़े को आपस में बराबर रखकर। इन दोनों को ख़ास क्या रखना है आपने आपस में मिलाना है, यहाँ से जो है ना हम अच्छे तरीके से पक्का करेंगे। ऐसे ही सिलाई जो है ना हम दूसरे बॉटम से भी नीचे ले जाएंगे। देखिए इस हिस्से को भी जो है ना इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से पक्का कर देंगे। अब हम लास्टिक डालेंगे, लास्टिक जो है ना हमारा फ्रंट से 10 प्लेन है और 18 लास्टिक है, तो 1/2 इंच जो है ना हमने फ्रंट का हिस्सा ज़्यादा काटा है, 1/2 इंच जो है ना लास्टिक ज़्यादा काटा है। अब इनको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो है ना ये फ्रंट का जो हिस्सा है इसको जो है ना हम सेंटर कर लेंगे। ये देखिए सेंटर हमने कर लिया इसका। अब ट्राउज़र को रखकर ये इसके सेंटर में रखना है, उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे 1/2 इंच के दबाव से इस तरीके से। यहाँ सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे और इसको रखकर 1/2 इंच का जो है ना अंदर की तरफ फोल्ड करके कपड़े को हम सिलाई लगाएंगे। प्लेन वाले हिस्से पे निशान लगाकर वहाँ पर रोकना है प्लेन वाले हिस्से पे, इस तरीके से इसको डबल सिलाई लगानी है। अभी देखिए लास्टिक को रखेंगे और 1/2 इंच का दबाव जो है ना अंदर की तरफ फोल्ड करके लास्टिक को फिक्स करेंगे
और इलास्टिक से थोड़ा सा कपड़ा आगे निकाल के कपड़े को जो है ना किनारे की सिलाई लगाएंगे। और ये ऊपर वाला कपड़ा देखिए आपने ढीला छोड़ना है। इसी तरीके से जो है ना सिलाई लगाते जाएंगे इसको, और इलास्टिक को यूँ आगे की तरफ खींचेंगे जहाँ पर जो है ना इलास्टिक कम पड़े। हल्की सी सिलाई उतर गई है और मैं दोबारा लगा दूंगा। ठीक है, अभी दूसरी साइड पे आ गए हम। दूसरी साइड को भी जो है ना इलास्टिक को इस तरीके से ही पक्का करेंगे डबल सिलाई से। फिर ये अपने सेंटर में आके इसको सिलाई को एंड करके पक्का कर देंगे। अब जो फ्रंट वाला हमारा हिस्सा प्लेन हिस्सा, हम उसके ऊपर वाली साइड पे भी सिलाई लगा देंगे ताकि जो है ना हमारा कपड़ा अच्छे तरीके से बैठे और पहनने में जो है ना ये लूज़ ना हो जाओ। उसके बाद जो है ना इलास्टिक को अच्छे तरीके से नहीं इस तरह से खींच के बराबर कर लेंगे। इलास्टिक को बराबर करने के बाद सेंटर से पक्का करेंगे इलास्टिक के, और फिर उसको अच्छे तरीके से कपड़े और इलास्टिक दोनों को खींच कर फिर जो है ना उसको सेंटर की सिलाई लगाएंगे। अगर आपको इलास्टिक डालने का फुल तरीका सीखना है तो चैनल पर जो है ना हमारी वीडियो अपलोड है इलास्टिक की, तो आप वहाँ से जो है ना इलास्टिक का आसान तरीका भी सीख सकते हैं। तो ये जो है ना बहुत आपको शॉर्ट तरीके से जो है ना मैंने इसकी सिलाई बताई है, और कटिंग भी आपको जो है ना ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक करें शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको क्यूलर्स ट्राउज़र की जो है ना कटिंग बताऊँगा। ये हमारी क्यूलर्स प्लाजो की कटिंग थी नाप के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।